हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीखो। जो कविता मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट वीडियो में, उसी की एक्सरसाइज और कुछ ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो आप सब रेडी हो सीखने के लिए? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है संज्ञा क्या होता है ना? तो आपको इस पोयम में से, इस कविता में से कुछ मुझे संज्ञा के शब्द बताने हैं। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आधे मैं बताती हूँ, आधे आप बता देना, मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो फूल, फूल संज्ञा आप सबको पता है ना, मतलब किसी का भी नाम। इंग्लिश में आप नाउन बोलते हो जिसका नेमिंग वर्ड, और संज्ञा हिंदी में नाम वाले शब्द। इसी तरह आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा क्लास में, अपने सेकंड क्लास तक। तो आगे आज हम देखेंगे किसके किसके कैसे नाम होते हैं। तो एक एग्जांपल है फूल, ठीक है। दूसरा है भौरे, भौरे यानी एक प्रकार का इंसेक्ट, कीड़ा जो फूलों पे बैठता है। तरु, कल मैंने बताया था ना, तरु मतलब पेड़, तो पेड़ भी संज्ञा है। डाली, डाली भी संज्ञा है। शीश, शीश यानी सिर, जैसे हमारा सिर, हेड। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? हेड। तो शीश संज्ञा है। हवा संज्ञा है। दूध, पानी संज्ञा है ना? ये सब संज्ञा है। तो इसी तरह आगे आप भी मुझे बताना कि आगे इस बाकी के तीन जो पैराग्राफ हैं तो उसमें क्या क्या संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे आज। और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से और भी कर सकते हो, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है एक्शन वर्ड, तो आप एक्शन वर्ड भी इससे ढूंढ सकते हो। एक्शन वर्ड यानी वर्ब, और वर्ब को हिंदी में आप सबको पता है क्या कहते हैं? पता है ना? आप लोग बताओ, कमेंट करो, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, कहते हैं ना? आप सबको भी पता है क्रिया क्या होती है। तो पहली लाइन है, फूलों से नहीं हंसना सीखो, तो हंसना, हंसना एक क्रिया है। गाना क्रिया है। सीखना क्रिया है। झुकाना क्रिया है। बहाना क्रिया है। मिलाना क्रिया है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं ना, जो भी काम हो रहा है, जो भी काम, कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्रिया हैं। तो आगे आप लोग देखोगे तो आज हमने ग्रामर में यानी कि व्याकरण में हिंदी में क्या क्या सीखा। एक संज्ञा सीखी, संज्ञा को हम छाँटना सीख जाते हैं, और दूसरा हम सीखा क्रिया को छाँटना। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको डेली ये प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो आपको संज्ञा छाँटना और क्रिया छाँटना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ओके, तो अब हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है आपके लिए, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब आप लोग बताइए क्या क्या दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर एक आम का पेड़, एक संतरे का पेड़, और कुछ पक्षी, सूरज, पहाड़, नदी, पानी, फूल, पत्तियाँ, पत्थर और कुछ घास, आसमान, है ना? तो ये जो मैंने नाम लिए, ये क्या आप भी देखते हो? आप लोग बताना कमेंट में कि आपके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, जो नेचर से जुड़ी हुई हैं, हमारे पर्यावरण की कविता है ना, पर्यावरण से सीखने की बात हुई है, तो आप भी मुझे बताना। ठीक है, दूसरा है, तो इन सब चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं जो मैंने बताए, जो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें भी ना संज्ञा है, क्योंकि ये सब नाम बताए हमने, इसीलिए। इनमें से कौन नेक्स्ट है? इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन खाते हैं, देखते हैं, सॉरी, क्या क्या देखते हैं? वही जो मैंने आपसे बोला, आप बताना क्या क्या देखते हैं। जैसे हम सूरज को उगता और जाना देखते हैं, आसमान तो हर कोई देखता है डेली सुबह, दिन रात जब आप स्कूल आते हो तो भी देखते हो आसमान। और इस जो चित्र दिया गया है, इसमें से आप और कौन कौन सी चीज़ें देखते हो ये भी बताना, और जो इस चित्र में नहीं है और आप देखते हो वो भी बताना। ठीक है, तीसरा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर मैं बताऊँ मेरे मन में क्या भाव आते हैं, कि कैसे डेली सूरज अपने टाइम पे उगता है और अपने टाइम पे चला जाता है। सूरज हमें गर्मी भी देता है, रोशनी भी देता है, क्या कोई उसे जगाने जाता है? नहीं, लेकिन वो अपना काम टाइम से करता रहता है। मुझे समय की वैल्यू सूरज से पता चलती है। तो आप ये भी इसका आंसर लिख सकते हो, और या फिर जो आपके मन में आ रहा है वो मुझे कमेंट करना। ठीक है, चौथा है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अब आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है सबको अच्छा लगता होगा ना, खिलते हुए फूल होते हैं, कितने मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
तो हम यहाँ पर एक उत्तर लिख सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके रंगों को देखकर मुझे रंग बिरंगी दुनिया देखने की और भी ज़्यादा इच्छा होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा है कविता की बात, किससे क्या सीखें मिलान कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किससे क्या सीखें। तो जैसे पहला चित्र हमें दिखाया गया है वो है सूरज का, तो सूरज से इस कविता में हमने क्या सीखा था बताइए, क्या सीखा था? जगना और जगाना। तो ये हमारा जो सूरज वाला आंसर है इसका आंसर हमारा चल जाएगा जगना और जगाना वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसमें ठीक है। नेक्स्ट फूलों से हमने क्या सीखा था? हंसना। तो ये हमने हंसना सीख लिया। नेक्स्ट दिया से हमने क्या सीखा था कविता के अकॉर्डिंग? दिया से हमने अंधेरा दूर करना सीखा था, तो ये हमने अंधेरा दूर करने में टिक किया। और फिर भौरे से हमने, भौरा ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने भौरा नहीं देखा तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है भौरे का, दिया है ना, ये रहा भौरा हमारा। तो भौरे से हमने क्या सीखा बताइए, आप सब बताइए, गीत गाना, ये रहा हमारा गीत गाना, कहाँ गया, ये रहा ठीक है, इस वाले बॉर्ड में जहाँ पे ये पॉइंट सर्कल चल रहा है। अच्छा, पेड़ों से और उसकी डालियों से हमने क्या सीखा था? शीश झुकाना सीखा था ना, सबने सीखा था। और जो बहता पानी है उससे हमने क्या सीखा था? नदी हमेशा सिखाती है जीवन में सदैव आगे बढ़ना। ठीक है, तो आप लोग ये टिक कर लेना, वेरी गुड। अब हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। अब आप बताना कि आपको, ये तो आप ही को करना है ना, कि कविता में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, उसका चित्र बनाना होगा और उसका नाम। जैसे मैं बताती हूँ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना, तो दो चीज़ें लिखनी है। तो पहला हम लिख देंगे नदी के बारे में कि बहता हुआ जो जल है वो हमें हमेशा आगे बढ़ना सिखाता है, कभी भी हार मान के रुकना नहीं है लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते जाना है ना। जैसे कि बहता हुआ जल होता है, नदी होती है, कितने पत्थर आते हैं, कितने चीज़ें आती हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकती, वो तो हमेशा आगे चलती है। और दूसरा मुझे सूरज, सूरज हमें हमेशा क्या सिखाता है? समय की ज़रूरत, कि समय बहुत कीमती है। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट में एक आप जो अच्छा लगा वो बना सकते हैं, अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो ये दोनों चीज़ें भी आप बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है पढ़िए और बताइए कि ये भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। तो आगे हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। तो ये तो ईजी है बहुत सबके लिए, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कौन सी लाइन है? तो आपको पता है ये कविता की ये वाली लाइन है कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, यही है ना। आप बताओ ये वाली है कि नहीं, जहाँ पे मेरा सर्कल चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन कौन सी है? हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो आपको पता है इसमें कौन सा टाइम है, कौन सी लाइन आएगी, है ना। तो सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ठीक है, सीख हवा के झोंकों से लो, ये वाली लाइन। ओके, फिर नेक्स्ट है नदी नहर में हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका आंसर आपको पता है ना, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था तो उसी के अकॉर्डिंग लास्ट वाले जो पैराग्राफ है, जलधारा से सीखो आगे बढ़ना जीवन पथ में बढ़ना। ठीक है, ये वाली लाइन। ओके, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, गुड। सबको समझ में आया ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है कविता से आगे, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है, हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, सूरज से जगना और जगाना, तो मैंने आपको बताया पहले भी सूरज हमें और क्या सिखाता है, तो एक मैं बता देती हूँ, एक आप कमेंट करना। पहला है समय की कीमत, सूरज समय से आता जाता है ना, तो सूरज हमें समय से सिखाता है। दूसरे के लिए हिंट दूँ कि आप खुद करोगे? चलो हिंट दे देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग रोशनी वाला जो पार्ट है यानी कि उजाला भी तो देता है ना सूरज, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, या फिर आपके माइंड में जो आता है आप वो लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? लता और पेड़, लता मैंने बताया था जो थिन ब्रांच होती है, जो ऊपर पतली पतली ब्रांच है, जैसे अंगूर की बेल होती है, वह उसको लता कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अंगूर की बेल होती है। और पेड़, जैसे हम सब ने देखे हैं आम अमरूद के पेड़, तो ये दोनों क्या करते हैं ना कि लता का जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो वो पेड़ों के सहारे ऊपर बढ़ती है, किसी दूसरे के सहारे आगे बढ़ती है और फल देती है। तो उससे हमने सद्भाव और प्रेम की बात सीखी। और दो बातें और क्या क्या सीख सकते हैं? तो दूसरी बात है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मदद का भाव सीखा ना। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हम सीख सकते हैं, किसी का सहारा बनना। हम किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, प्रेम और सद्भाव की बात होती है, मदद की बात होती है, और दूसरा हमें सिखाता है पेड़ और लता कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे फल हमेशा देता है ना, हम तो पेड़ को कुछ भी नहीं देते लेकिन वो हमें हमेशा फल देता है, और एक दूसरे के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। तो मदद भी हो गया और दूसरा फल देना। ठीक है, तीसरा, अब तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कोई कौन सी बात सीखना चाहते हो? अब आप बताओ, आप अपने फ्रेंड से क्या सीखना चाहोगे? जैसे किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी का डांस अच्छा है, किसी का गाना अच्छा है, किसी की राइटिंग अच्छी है, तो अब आप बताओ आपके एक फ्रेंड की क्वालिटी जो आपको सीखना अच्छा लगेगा। तो ये तो आपको खुद ही करना है ना। नेक्स्ट है भाषा की बात। अब ये आता है ग्रामर पार्ट। तरु, जैसे मैंने आपको बताया था शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब होता है मीनिंग। ओके, तरु पेड़, शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, हरना यानी किसी की प्रॉब्लम को दूर कर देना, पथ यानी रास्ता या मार्ग। ठीक है, अब इसमें से एक्सरसाइज करनी है आपको। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, सूची मतलब जो लिस्ट दी गई है ना, ये जो लिस्ट दी गई है उसकी बात हो रही है। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए और इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो अब आप कोई भी दो शब्द ले सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। ठीक है, अच्छा लगा ना। और पृथ्वी या धरती, धरती हमारी माँ है, हम धरती को माँ मानते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ पर मिलना और मिलाना लिखा है ना, रेखांकित यानी जो अंडरलाइन है, उसी तरह यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दिए गए, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो इसी तरह आपको कविता से छाँट कर कुछ और शब्द लिखते हैं। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं कविता में और कुछ और शब्द खोजते हैं, जैसे झुकना और झुकाना। ठीक है, फिर बहना और बहाना, मिलना और मिलाना तो एग्जांपल में दिया था, जगना और जगाना, लगना और लगाना, तो बहुत सारे शब्द हैं, तो आप किसी से भी बना सकते हो। हरना या हराना, करना या कराना, बढ़ना या बढ़ाना, चढ़ना या चढ़ाना। ठीक है, सबको समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। सीखो और पानी, यानी सा से हमने कविता से एक सीखो निकाला और पा से पानी निकाला, तो चलिए फिर कविता पे चलें। तो सा से भी शब्द सीखेंगे और पा से भी। तो यहाँ पर है सा से पहले हम करते हैं सीखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सबको। ठीक है, सीख, ठीक, सके, सच्ची, हो गए ना। और पासे, अब पासे की बारी है, तो पासे हमें ढूंढना है। जल्दी बताइए, आपको कोई मिला, कमेंट करिए जल्दी से। पहला है पानी, पेड़, पृथ्वी, पथ, है ना, हो गए। चलिए वेरी गुड, आप सबको ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है, हम थे यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ये वाला। तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो आपको पढ़कर बोलना है। आ
तालिका का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है, सूची, तालिका, ये सारी चीज़ें एक ही हैं और इनमें अंतर पहचानना है आपको। तो यहाँ पर आपको लिखने में क्या अंतर दिख रहा है, एक तो ड दिख रहा है और एक ढ दिख रहा है ना, तो दोनों का प्रोनंसिएशन अलग है। पड़ा, पड़ा मतलब जैसे मान लीजिए आपको रोड में एक सिक्का पड़ा मिल गया, ठीक है, वो पड़ा, और ये पढ़ा है, पढ़ा यानी कि जो आप पढ़ते हो किताबों से पढ़ते हो, ठीक है। बड़ा और बढ़ा, बड़ा यानी जैसे बिग ब्रदर, बढ़ा, बढ़ा यानी आगे बढ़ना, अड़ना, अड़ना यानी किसी चीज़ में रुकावट आना, और बढ़ना यानी कि आगे बढ़ना। उड़ना, उड़ना यानी जैसे फ्लाई उड़ती है, बर्ड उड़ती हैं। पढ़ना आप सबको पता है, आप सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारी क्लास में, तो पढ़ते हैं ना। कढ़ाई, कढ़ाई मतलब किसी चीज़ में पाबंदी करना या फिर बहुत उसको रूल रेगुलेशन वाला कढ़ाई। और दूसरा है कढ़ाई जिसमें मम्मी सब्जियां बनाती हैं, खाना पकता है, बर्तन होता है कढ़ाई। नेक्स्ट है लड़ाई, लड़ाई तो आप सब जानते हो, कभी कभी सब बच्चों में भी हो जाती है, होती है ना, कि तुमने मेरी पेंसिल ले ली, तुमने मेरे पेन ले लिए। और चढ़ाई, चढ़ाई आप सब जानते हो, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना, पर्वत पे चढ़ना, और क्लास की सीढ़ियाँ भी चढ़ना। समझ गए ना सब, अंतर समझ में आया आपको, तो अब आप भी पढ़ना और इसका अंतर समझने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूँगी। अब ये बूझो तो जाने सबको पता है, अब आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। एक फूल एक फल, आंसर बता दूँ? अच्छा पहले आप सोचो, कमेंट करना। गुलाब जामुन, गुलाब यानी फूल, जामुन यानी फल, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिठाई। वेरी गुड। नेक्स्ट है ये वाला, बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। सबने समझ गए होंगे सब। वेरी गुड। ये होता है, कौन काटता है, अच्छा आप लोग बताओ, चूहा, जो घर में चुपचाप हमारी बिल में बना बना कर रहता है घर के अंदर, और फिर रात में जब हम सब सो जाते हैं तो चीज़ों को कुतर कुतर के खा जाता है, काटता है, परेशान करता है सबको, और खुद खुश हो जाता है, और पूछ लिए बिना बात की पूछता है। क्या हुआ, चूहा। वेरी गुड। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में गाकर कविता सुनाई थी, वैसे ही आप सबको अपनी क्लास में भी गाकर सुनानी है, ठीक है। वेरी गुड, चलो बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जिससे आगे की वीडियोस की डिटेल्स आपको मिलती रहे। न्यू बुक्स आ गई है ना एनसीईआरटी की, तो जल्दी जल्दी मैं आपको सिखा दूँगी कि आप अपने क्लास में सबसे आगे रहना। ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।